हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल जिस कंसेप्ट की हम चर्चा कर रहे थे, आज उसको एक्सपेंसिव लेवल पे लेके जाएंगे, और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। सर, लेक्चर मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने कल ही बोल दिया था कि दो तीन लेक्चर बहुत कमाल के होने वाले हैं जर्नल एंट्री के, झेलते जाओ बस इनको, ठीक है? और उसके बाद डेटा बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, जर्नल एंट्री बड़ी ईजी लगने लगेगी। खैर, अब वो कुछ बातें पुरानी उखाड़ ली जाए, इतने एडवांस लेवल के एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे। सर, कल तो कंसेप्ट था, अब एडवांस लेवल पे जा रहा है। 2 दिन छुट्टी, पूछ नहीं, कर ली क्राइम हो जाए बेटा। डिस्काउंट पाने के लिए भी बेटा इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं। मेरी तरफ देखते रहेंगे। अनुज भाई, युवराज सामने देखो। बाबू, एक बात समझने की कोशिश करना। कहता है परचेज करे गुड्स राम से, कुछ भी अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट भी गिवेन है और कैश डिस्काउंट भी। बड़े समझदार बनना। अगर बेटा कैश डिस्काउंट गिवेन है, इसका सीधा साधा मतलब है आपने अभी पेमेंट कर दी होगी, तभी तो डिस्काउंट मिली है। तो कोई ये ना बोल दे कि जी नाम लिखा है, जी उधार है उधार है। आदतें गंदी पड़ जाती है आदमी को अगर एक ही जैसे क्वेश्चन 3 दिन चलते रहे, क्योंकि दिमाग में पता है क्या है, समझते हैं हम सब कुछ है, लेकिन 3 दिन एक जैसा क्वेश्चन चले ना, तो बाबू एक प्रोसेस के बाद ना ये होता है कि हम रटना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है यार एक जैसी बात तो चल रही है, क्या जरूरत है बार बार माइंड के ऊपर जोर डालने की, बस रट ले। अब बाबू मैं उस प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ। बाबू, अगर क्वेश्चन ने कह दिया आपने राम से गुड्स खरीदा, कोई भी अमाउंट है, लेकिन क्वेश्चन ने साथ साथ कह दिया ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया, क्योंकि बहुत बल्क में खरीदा इसलिए डिस्काउंट मिल गया ट्रेड डिस्काउंट, भाई कैश डिस्काउंट क्यों मिली होगी? कहीं ना कहीं बेटा इमीडिएट पेमेंट कर दी होगी ना उस परचेज की, तभी तो मिली होगी। यानी कि बेटा ये कैश है या उधार, फटाफट से बताना। कैश। क्या राम के नाम को कहीं पर भी एंट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा? कहीं नहीं। राम का नाम कब आएगा बेटा? अगर उधार होती तो। समझ में आई बात पक्का से? दूसरी बात बेटा, अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक ही क्वेश्चन में है, जैसा कि अब दिखाई दे रहा है, तो जिस मर्जी सीक्वेंस में दियो, हमेशा पहले कैलकुलेशन के लिए ट्रेड डिस्काउंट यूज होती है, बाद में कैश डिस्काउंट। कहने का मतलब यह, क्वेश्चन आपको थोड़े दिन बाद परेशान करने के लिए पता क्या करेगा, पहले लिख देगा कैश डिस्काउंट 3% मिली और बाद में लिख देगा ट्रेड डिस्काउंट मिली 20%। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं आप सोचो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, पहले कैश डिस्काउंट मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं और फिर बेटा हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। जिस मर्जी सीक्वेंस में दे क्वेश्चन, हमेशा कैलकुलेशन के लिए पहले ट्रेड डिस्काउंट यूज होती है, बाद में कैश डिस्काउंट, हमेशा का प्रिंसिपल है।
ठीक है जी। हमेशा पहली डिस्काउंट कौन सी लगेगी? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरी कौन सी लगेगी? कैश डिस्काउंट। समझ में आ रही है बात इतनी पक्का से? अब आपको करते हैं कैसे हैं क्वेश्चन? सर करते हैं बिल्कुल कल जैसे ही है, वो तरीका नहीं बता बाबू। 6 लाख रुपए सिर्फ लिस्ट प्राइस है, सिर्फ एमआरपी। क्या बेटा मुझे कहीं एमआरपी रिकॉर्ड करनी होती है? नहीं, मैंने कैलकुलेशन के लिए यूज करना। करते हैं, कहता 20% टीडी मिली, 20% की ट्रेड डिस्काउंट मिली। अच्छा जी, इसका 20% निकाल लो बाबू, 20% की ट्रेड डिस्काउंट मिल गई, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। यानी कि आपकी एक्चुअल परचेजेस है ही कितनी? 4,80,000। कल भी मैं बोल रहा था दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये फिगर परचेज में जाएगी जाएगी, अगर ये सेल होती तो सेल में जाती जाती। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, मुझे आगे की बात तो बतानी नहीं, मैं तो 10 मिनट के बाद करूंगा आगे की बात। मुझे बताओ परचेज का क्या होता है? हमेशा क्या होती है परचेज? अभी 3 बच्चों से सुना चैन नहीं आई, क्या होती है परचेज? पक्की बात बाबू, कर दो मेरे प्यारे बच्चों परचेस को डेबिट। मैं तो कह रहा हूँ आगे की कैलकुलेशन 1 मिनट बाद भी सोच लेंगे तो क्या हो जाएगा, परचेस हमेशा डेबिट रहेगी 4,80,000 से। क्या मैं कल भी यही बोल रहा था? कल भी तो यही बोला था। आगे बढ़ाए बात को। अब बेटा क्वेश्चन ने कहा बाबू अब आगे सुनो, परचेस डेबिट होनी है, पता लग गया सबको बेटा? कहता है 3% कैश डिस्काउंट। सर यानी कि आपने पेमेंट आज ही कर दी होगी, तभी तो उसने प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से ही तो मिलती है डिस्काउंट। आज पेमेंट कर दी होगी ना? कितनी पेमेंट कर दी होगी मैंने? भैया मेरी परचेज है 4,80,000 रुपए की, कहता है 3% उसमें डिस्काउंट है। बाबू 3% किसका? इसी परचेज का 3% उसने डिस्काउंट दे दी। इसका 3% निकाले ना, वो बात अलग है कि आपको निकालना नहीं आता परसेंटेज, ठीक है जी। मुझे नहीं पता आप ऐसे कितनी देर सोचोगे चीज को, मैं कैलकुलेशन तो मैं नहीं आपकी फास्ट कर सकता, कैलकुलेटर क्विट कर दो तो एक टाइम के बाद थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी बाबू। 3% कैश डिस्काउंट भी मिल गई आपको, मैं कैसे डिसाइड कर पा रहा हूँ ये डिस्काउंट मिली होगी? मैंने एक बार भी नहीं कहा डिस्काउंट दी होगी। सर मैं सोचता हूँ, मैं रटता नहीं ना, मैंने गुड्स परचेस करे, पैसे दिए होंगे, और अगर मैंने पैसे दिए हैं तो डिस्काउंट हमेशा मुझे मिली होगी, ठीक है ना? अगर मैंने कैश दिया है, कैश डिस्काउंट मुझे ही तो मिली होगी। आप रटते हो इसलिए आप परेशान होते हो, डिस्काउंट मिली या डिस्काउंट दी? भैया इतना तो सोचना ही नहीं होता, गुड्स आपने परचेस करे हैं, कैश आपने दिया है, कैश आपने दिया तो डिस्काउंट तो मुझे ही मिली होगी, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये डिस्काउंट रिसीव्ड है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। यानी कि मेरी मैंने एक्चुअली में पेमेंट किया करी बेटा, इतना मेरा ख्याल तो माइनस कर ही लोगे आप, यानी कि मैंने बेटा ये कैश पेमेंट करी। अब आपको कोई मुझसे ये ना पूछ रहे आपको कैसे पता लगा कैश पेमेंट ही है? सर परचेज की है मैंने, पेमेंट करी होगी, ऑब्वियसली रिसीव नहीं हुए होंगे पैसे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बहुत सिंपल सर, लिस्ट प्राइस में से टीडी भी माइनस नहीं कर सकते क्या? कल कल तक यही तो कर रहे थे, 4 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, 4 यहां करा दिए। टीडी माइनस कर लोगे, जो फिगर निकल कर आएगी वही एक्चुअल परचेज या सेल है, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, सेल गिवन हो तो वो सेल है, परचेज गिवन हो तो परचेज है। समझ में आती है बात? कैश डिस्काउंट माइनस कर सकते हो उस परचेज और सेल में से, माइनस कर देना, जो आएगा वो कैश पेड या कैश रिसीव्ड होगा, क्योंकि परचेज करी है तो कैश पेड है। अगर ये सेल का क्वेश्चन होता तो कैश रिसीव्ड होता ही। अभी अगला करके देख लेंगे, पता लग जाएगा आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? कैश पेमेंट करी मैंने, कैश जब भी जाता है, खुशी जी क्या होता है? क्रेडिट। कैश जब भी जाता है क्या होता है? कैश का क्रेडिट होता है। नहीं तो देखना प्यारे बच्चों, कैश जब भी जाता है कैश क्रेडिट होता है। मैंने कर दिया प्यारे बच्चों कैश को क्रेडिट, कितना कैश पे किया मैंने? 4,656,000। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं भैया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होती है, बेटे घबराओ नहीं, बराबर ही करके मानेंगे हम भी नहीं छोड़ने वाले। आपको डिस्काउंट भी तो रिसीव हुई है, अगर समझदार हो डिस्काउंट भी तो रिसीव हुई है। डिस्काउंट रिसीव्ड सर, इनकम या खर्चा? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम या खर्चा? और दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट, दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट। कर दो बेटा इनकम क्रेडिट, लो मेरे प्यारे बच्चों कर दो इनकम क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
कितने रुपए से? बेटा ये है 14400। अगर अब टोटल कर लो तो बेटा डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बिल्कुल बराबर हो चुका है। क्या ये इतना ही सिंपल है बेटा? बस और कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ यही कंसेप्ट की चर्चा है। चार क्वेश्चन करने हैं, दो आपने दो मैंने, बस फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी, 15 क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, अब आओ लविश ने ओके कर दिया, थम्सअप कर दिया, अब तो 15 ही मिलेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। लविश कह रहा है, तो प्यारे बच्चों सामने देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। आप लिखोगे करूंगा मैं, ठीक है जी, सिर्फ मेरे साथ साथ नोट डाउन करो और रुक जाना। और क्या हर्षित? मोहब्बत है इसलिए कैश डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा दे दी मैंने, 5%। ट्रेड डिस्काउंट भी ज्यादा दे दी। चलो जी, लो प्यारे बच्चों सब सामने देख रहे हैं। देव भाई सामने देखो। देव कह रहा हाँ मैंने तो वैसे भी नहीं जिंदगी में होमवर्क किया। आ बाबू आ जा सामने देख, मैं कराऊंगा होमवर्क, तेरे टेंशन है ले। बाबू कहते हैं सोल्ड गुड्स टू हर्षित, इकलौती मोहब्बत, 1 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 30%, कैश डिस्काउंट 5%। बेटा बस एक बात बता दो सोच के, सर कैश डिस्काउंट मैंने दी होगी या कैश डिस्काउंट मुझे मिली होगी? पक्की बात? सर आपने गुड्स बेचे हैं, उसने कहा होगा आज ही पैसे ले लो, डिस्काउंट बताओ, कुछ पैसे छोड़ दो, यही कहा होगा ना? तो बेटा अगर मैंने उससे आज पैसे लिए होंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट दी होगी, तभी तो आज दिए होंगे उसने पैसे, डिस्काउंट देनी पड़ी होगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये भी सोच पा रहे हो कि पैसा मिला है, कैश पक्का रिसीव हुआ है? ठीक है जी, अच्छा एक बात बताओ, अगर कैश डिस्काउंट किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए तो ये समझ जाओगे या तो कैश पेड है या तो कैश रिसीव्ड, नाम की कोई वर्थ नहीं है, जर्नल एंट्री में नाम आएगा ही नहीं। पक्की बात? ये बात सोची जा रही है, यही तो सोचना है बेटा, थॉट प्रोसेस कह दोगे ना सारा का सारा। ठीक है जी बाबू, सबसे पहले क्या लिखो कैलकुलेशन के लिए? केशव भाई सबसे पहली चीज लिखो क्या? कैलकुलेशन करनी है मुझे, अब अमाउंट की क्या लिखो सबसे बाबू? सबसे पहली चीज लिस्ट प्राइस या एमआरपी लिखो। क्वेश्चन में कितने रुपए है बेटा ये? 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? उसके बाद सेवा भाई माइनस क्या करूं पहले, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट? हमेशा किसी भी सीक्वेंस में दियो, पहले क्या माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू कर दो ट्रेड डिस्काउंट माइनस, विच इज 30%, 30% ऑफ 1 लाख, 30,000 लिस्ट प्राइस में से टीडी माइनस कर दी बेटा, यानी कि जो 70,000 रुपये आ गया, यही आपकी एक्चुअल सेल्स है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये तो कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता। सेल्स कितनी है? 70,000। समझ में आ रही बात? सेल्स हमेशा क्या होती है यार, तुम्हें हो क्या जाता है, कित क्या होती है सेल्स हमेशा? क्रेडिट। बाबू मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, बाकी बात 1 मिनट बाद भी सोच लोगे क्या फर्क पड़ता है, इतना तो ठीक कर दो, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, मैंने क्रेडिट कर दी 70,000 से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात? आगे बढ़ाए बात को। ठीक है जी बाबू, उसके बाद चर्चा करो कि आपने कितनी कैश डिस्काउंट दी है। अभी आपने ही तय किया था ना कि कैश डिस्काउंट दी होगी, कैश मिला होगा तो पक्की बात है डिस्काउंट दी है, डिस्काउंट अलाउड है। अच्छा कितनी डिस्काउंट दिया? क्वेश्चन कहता है 5%। तो 5% किसका? सेल्स का। बेटा मैंने 70,000 रुपये लेने हैं मेरे से, मैंने तुझे 70 का सामान बेचा है, अगर तू आज और अभी पेमेंट कर दे तो 5% छोड़ दूंगा, यही तो कहा होगा। आप देखो मेरी सेल्स कितनी है, 70,000 रुपये, उसने तो मेरे 70 ही देने थे, अगर ये कहानी उधार चलती रहती तो 70 ही तो लेता। मैंने कहा आज कर देगा ना पेमेंट, अभी कर देगा, 5% कैश डिस्काउंट तुझे छोड़ दी, रीड भी तो करो अकाउंट्स, रटो के क्या है, 5% छोड़ दूंगा, डिस्काउंट अलाउ कर दी तेरे को।
और उसने आज ही पेमेंट कर दी, तो बाबू 5% छोड़ दिए मैंने 70,000 रुपए के। बाबू 5% निकाल लोगे? ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि बेटा कैश रिसीव कितना किया होगा आपने, ये समझ में आ रही है कि कैश रिसीव होगा ये पेड नहीं होगा। गुड्स खरीदते तो पे किया होता कैश, बाबू गुड्स बेचा है तो कैश आया ही तो होगा। तो बाबू ये कैश रिसीव्ड है और बेटा ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, या तो मैं पूरा ही लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, कैश आया या गया? आया। कैश जब भी आता क्या होता है? मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कर दो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 66,500। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होती है, ड्यूअल एस्पेक्ट याद करो, डेबिट के बिल्कुल बराबर होता है क्रेडिट। बेटा कर देते हैं, परेशान क्यों हो रहे हो? आपने डिस्काउंट दी भी तो है। वो डिस्काउंट मैंने दिया है खर्चा या इनकम? खर्चा या इनकम? अरे डिस्काउंट दिया भैया, नुकसान ही नहीं खाया क्या? बाबू नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट होते हैं, कर दो बेटा लॉस है डेबिट। लो प्यारे बच्चों डेबिट कर दिया मैंने लॉस, लॉस का नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 3,500। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल सर, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन झेल गए उसके बाद है क्या जर्नल एंट्री में, ये तो बताओ। मैं तो सबसे पहले यही काम करता हूँ, तीन लिस्ट प्राइस माइनस टीडी, जो आ गया परचेज है तो परचेज डेबिट करके लिख दी, सेल है तो सेल क्रेडिट करके लिख दी, उसके बाद सोच लूंगा। यार थोड़ा तो यहाँ जोर डलना चाहिए ना यार, ये क्या होता है रटी जर्नल एंट्री, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती मुझे लगता दुनिया में। ठीक है जी, वैसे अच्छा एक बात बताओ, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ टीचर की स्ट्रगल, सेकेंड डे मैं पढ़ा रहा था ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और आज मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, कहाँ तक ले आया हूँ ये भी सोचो यार, कितनी दूर आ चुके हो, कितना सफर तय करके। और ये भी सोचो पहले दिन किसी भी टीचर के लिए कितना मुश्किल होता है समझाना ट्रेड डिस्काउंट क्या हो, कैश डिस्काउंट क्या हो, बहुत मत्था बच्ची की बात है। अब तो थोड़े ट्रेंड हो चुके, अब तो मैं एडवांस बातें कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है। सोचो सही पहले दिन कितना मुश्किल है चीज को समझाना, ठीक है ना? और पहले दिन ऐसे बच्चे बैठे हों जबरदस्ती के उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रहे हों, ये तो ऐसे हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट बता दो जी, डेबिट के बराबर क्रेडिट ये क्या होता है? मैंने कहा था बताऊंगा बेटे, टेंशन ना ले, रहेगा तेरा कोई क्वेश्चन अधूरा? बता बता क्वेश्चन बता, पीयूष क्या होता है? नाम है ना, डेबिट क्रेडिट नाम है, पीयूष का क्या मतलब है? अमृत लगता तो नहीं, जहर लगता यार, है मैं बहुत हाजिर जवाबी हूँ, बताया था ना सेंस ऑफ ह्यूमर कपिल शर्मा के बाद मेरा ही है, बोल गया तू। आओ मेरे प्यारे बच्चे, अब कह रहे हैं दो क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों तुमसे नहीं होगा क्वेश्चन, कह रहे नहीं, अब तो हम ही करेंगे, तुम करना चाहते हो लो कर, आओ लिखो। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करो, 6-10 तक दोनों ट्रांजैक्शन करके दिखा दो, वरना उसके बाद मैं करता हूँ। सर वैसे लिखना, मैं जर्नल एंट्री नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा। सामने देखो, आप सब अपनी कैलकुलेशन मैच कर लें। सर मैं स्पीडी कर रहा हूँ, 2 ही मिनट में कर रहा हूँ दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन। बेटा शुभ से सामान खरीदा 8 लाख रुपए, सिर्फ लिस्ट प्राइस या एमआरपी या कुछ नहीं होता,
20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दी बेटा, यानी कि आपकी एक्चुअल परचेसेस सिर्फ 4,80,000 है। आपने एंट्री में परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा 4,80,000 रुपए से, परचेस डेबिट कर रखे सबने 4,80 से। बाबू उसके बाद कहते हैं 1% सीडी भी मिल गई, बहुत अच्छी बात। यानी कि बेटा आपने कैश पे किया होगा सिर्फ 4,756,600, और बेटा ये डिस्काउंट आपको रिसीव हुई होगी। और ये बाबू ये सारी गेम सोच नहीं लिया आनंदी का रुचा। बाबू जब मैंने गुड्स परचेज करे हैं ऑब्वियस सी बात है मैंने पैसे दिए होंगे, कैश रिसीव नहीं हो सकता, ये पेड है। और बाबू अगर मैंने पैसे दिए हैं आज ही, मैं तो उधार करने के मूड से गया था, मैंने कहा आज ही पैसे दिए हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है उसने कहीं ना कहीं कोई डिस्काउंट ऑफर करी होगी तभी दिए हैं। तो बाबू ये डिस्काउंट रिसीव्ड है और ये कैश पेड है, यानी कि पूरी एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू कैश अकाउंट 5,2 होगा ये 4,752,000 और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 4,800। ठीक है जी। और बाबू रही कहानी ये वाली, लो फटाफट से भी निपटा देते हैं। 3 लाख सिर्फ एमआरपी है, कुछ नहीं करना। 20% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि योर एक्चुअल सेल्स वुड बी 2,40,000। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों सेल्स को क्रेडिट कर दो 2,40,000 से, बाकी सारी बातें सोच ही जाएंगी। सेल आपकी क्रेडिट आनी चाहिए 2,40, हर हाल में वही आनी चाहिए। कहते 3% कैश डिस्काउंट भी दी, सर मुझे कैसे पता डिस्काउंट दी? बेटा मैंने गुड्स बेचा है, मैंने उसको मजबूर किया होगा आज पैसे दे दे लेगा डिस्काउंट, अभी तो उसने आज पैसे दिए। बाबू कैश पक्का रिसीव हुआ होगा और डिस्काउंट हमेशा अलाउड ही होगी भाई। ठीक है जी। 3% बेटा कैलकुलेट कर लेना, यानी कि आपने कैश रिसीव किया होगा 2,32,800, यानी कि एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स के सामने 2,40, कैश के सामने 2,32,800, डिस्काउंट अलाउड के सामने 7,200। ठीक है जी। होमवर्क मैंने बता ही दिया क्या है। ठीक है जी, अभी इतना ही टाइम हुआ, मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों एक नया कंसेप्ट आज और कर लेते हैं। आओ जी, विधवा की छुट्टी, मेरा तो टाइम के हिसाब से सब कुछ होता मीटर। ठीक है जी, मेरे को तो लगा आराम से तुम्हें कहाँ कंसेप्ट एकदम याद होते हैं, मैंने कहा होने का तो है नहीं तुम्हारे को, पर तुम निकम्मे आज पता नहीं कहाँ से ज्ञानी पंडित बना है, कुछ नहीं होता। एक कंसेप्ट और करते हैं आज के लिए, इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों। बाय बाय।